आ जा भाई, ये रहा अभी अभी लाए उसको। क्या हुआ? ये रहा, एक्सपायर हो गया बेटा ये। बड़े एक्सपायर हो गया यार, है ना? सही पकड़ा था उसने यार हमजा। मैं अभी इसको रख के गया था, इसको इंजेक्शन लगवाया था हमने, डॉक्टर के पास दिखाने गए थे, वहां से इंजेक्शन लगाया है यार। इस पे गाड़ी चढ़ाई है, अभी तो लेके गया था यार, अभी इंजेक्शन लगवा के लाया हूँ इसके पास मैं। अभी बिल्कुल इंजेक्शन लगवाया हमने इसके, उसके बाद उन्होंने बोला कि इसको रख देना, ले जाके छत पे कहीं रख दो अपनी। और डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि कल भी इंजेक्शन लगवा लेना, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा इसके अंदर कुछ। और इसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी दोस्तों। तो यार वो स्ट्रीट डॉग है जो बच्चे खेल रहे होते हैं अक्सर गली में, तो उनमें से एक ताई है, दूसरे वाली पे भी गाड़ी चढ़ी हमदा। और वो कहाँ गया उसका दिख ही नहीं रहा, वो कहीं मैंने उसको बड़ा ढूंढा गली में, भागा गली में, वो मिल ही नहीं रहा है। गली में भी हम गए थे, ये मिल गया, इसको हमने उठाया रोड से, इस पे चेक करके इसको फौरन लेके गए डॉक्टर को। जब दिखाया ना, डॉक्टर ने दोस्तों से इंजेक्शन लगा दिया और बोला सेट हो जाएगा, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई हड्डी नहीं टूटी है, बिल्कुल सेट है, लेकिन अंदरूनी डैमेज वो बोल रहा था हो सकता है हुआ हो, तो इसका MRI या फिर सिटी स्कैन हमें करना पड़े। तो बोला अभी हमारे पास है नहीं, तो अभी तो आपको इसको इंजेक्शन दे दिया, अभी इसको आप ले जाए। तो दोस्तों शायद इसकी जिंदगी यार इतनी ही थी यार हमदा, ये तो यार एक्सपायर हो गया है ना। चलो यार इसको फिर जाके रखूं मैं नीचे, क्या करूंगा, है ना, इसको ले जाते हैं। कपड़े समेत ही निकाल, कपड़े समेत ही जाएगा, कपड़ा कोई काम का थोड़ी है। ये ला हटाओ पहले कपड़ा। दो बच्चे थे, हैं? दो बच्चे थे, उनमें से ये एक भी गया और वो बेचारा पता नहीं। रुको तुम्हारा हाथ साफ है। 12 के 12 बच्चे काम करो, ये बंद कर दो, ये हाथ तो दो। हाँ हाथ धो रहा हूँ, तुम मैं इसको दफना के आ रहा हूँ, ठीक है, तुम ये अभी बंद कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों ये जो अभी आप लोगों ने क्लिप देखा, ये क्लिप उसी जो स्ट्रीट डॉग थी हमारी जिसके बच्चे हुए थे 12 बच्चे, ये दोस्तों उसी कुतिया के बच्चे हैं जिसके अच्छे खासे बच्चे एक्सीडेंट की वजह से बुरी तरह मारे गए थे। और इसके साथ क्या हुआ दोस्तों, तो इसकी कहानी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। दोस्तों रात के 11 बज रहे थे, कल की बात है ये, और भाई ने मेरे को जल्दी से आवाज़ दी जब मैं भागा बाहर गया, तो उन्होंने बोला यार इसको देखो आके इसे क्या हुआ है। जब दोस्तों मैंने इसे जाके देखा तो ये बिल्कुल बेहोशी में पड़ा हुआ था, ये लगाने के बस इसका हल्का फुल्का, एक बोलते हैं ना होश और बेहोशी में हल्का फुल्का ऐसा चल रहा था। तो ये उठा थोड़ा बहुत मेरी तरफ देखे, फिर नीचे अपना सर गिरा दे, फिर भाई ने बोला इसको, मैंने पूछा उनसे कि यार इसको हुआ क्या है, तो उन्होंने बताया कि बेटा वो बारात जा रही थी हमारे इधर, मैं किराएदार शिफ्ट हूँ, तो उन्होंने अपनी बारात ले जा रहे थे, उनकी गलती नहीं थी, उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी किसी रिलेटिव की, तो उसके नीचे बैठ गया होगा ठंड की वजह से, वो गाड़ी निकाल रहा होगा तो उसकी वजह से उसकी गाड़ी का टायर इस पर चढ़ गया, और चढ़ा होगा तो उसने पूरी चढ़ा दी, मतलब उनको नहीं सुनाई दी होगी आवाज़, शीशे वगैरह चढ़े होंगे। तो दोस्तों इसकी अच्छी खासी हालत ख़राब हो गई वहीं, ये 2-3 कदम भाई बोल रहे हैं चलते हुए आया, बोल रहे हैं जब तक मैं कैसे हाथ लगाता इसको पकड़ता, बोल रहे मैंने तुम्हें बुला लिया, बोला चलते हुए आया रोड पे गिर गया। दोस्तों जब मैं इसके पास गया तो ये होश में नहीं था, फिर मैं इसको लेके डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से जाके इसको इंजेक्शन लगवाया, उन्होंने इंजेक्शन दिया, सिर्फ डॉक्टर ने बोला कि ये सेट है, इसकी हड्डी वगैरह कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, बाकी वो बोल रहे थे कि इसकी जो करानी पड़ती है वो फिजियोथेरेपी और वो सिटी स्कैन होगी, फिजियोथेरेपी बोल रहा हूँ, सिटी स्कैन कराने का बोला, उन्होंने बोला कि सिटी स्कैन होगा इसका, लेकिन अभी मत कराओ बेटा इसका, इंशाल्लाह 2 दिन आप रखो घर पे, अपनी छत पे कहीं रख लेना इसको, और कहीं अगर आपका सेटअप है रख सकते हो तो मैंने बोला मैं रख लूँगा, तो उन्होंने बोला कि आप रख लो इसको और इंशाल्लाह 2 दिन इसको इंजेक्शन लगवाते रहो, और फिर हम सेट इसको कोशिश करेंगे सिटी स्कैन वगैरह करके कि सेट हो जाए। बाकी दोस्तों डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने ना कोई चेकअप फीस कुछ भी नहीं ली मेरे से, उन्होंने बोला कि बस आप ले जाओ बेटा इसे। दोस्तों मैंने घर पे ला के रखा इसे, और तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हमजा को मैं दिखाने लाया हूँ उसे, हमजा गया हुआ था, हमजा को मैं दिखाने लाया हूँ, और मैं खुद भी देखने आया कि कैसा है कैसा नहीं।
तो जब तक इसकी जान निकल चुकी थी। तो दोस्तों ये रही वो जगह जहाँ पे पड़ा हुआ था, इधर ही हमने रखा था इसको लाके और ऊपर से मैंने ढक भी दिया था। बाकी हम नीचे से चादर वगैरह ढूंढ के हमने सोचा यार इसको पूरा पैक करें क्योंकि ठंड बहुत शदीद है, और लपेट के मैं इसको रख के चला गया था। पर जितनी देर में हम आए 15-20 मिनट में ठंडा पड़ गया दोस्तों। बाकी वीडियो बनाने का दोस्तों मेरी आज की ये मकसद था कि एक मैसेज है तमाम जितने भी लोग हैं उन सब के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये मैसेज के दोस्तों देखें ठंड का मौसम जब आता है तो चिड़िया चरन परिन जानवर हर तरीके का कोई भी बिल्ली कुत्ता और ख़ास तौर पर स्ट्रीट डॉग कैट्स जो होती हैं हमारे स्ट्रीट जो एनिमल जो होते हैं जो बेचारे ऐसे जंगली घूम रहे होते हैं यार उनका थोड़ा ख्याल करा करें दोस्तों। अपनी गाड़ियों पे जब स्टार्ट कर रहे हो आप लोग तो एक छोटा सा काम कर लिया करें वो ये है कि आप लोग गाड़ी बजा के देख लें अपनी कि कहीं नीचे कुछ बैठा हुआ तो नहीं है, झाँक लें बजा लें अच्छे से और स्टार्ट करके थोड़ी तेज़ स्पीड दें ताकि वो भी चेक हो जाए कि वो नीचे कहीं बैठा हो तो भाग जाए। और स्टार्ट करने से पहले इंजन खोल के चेक कर लिया करें। अक्सर बिल्ली के बच्चे या कुत्ते बिल्ली के बच्चे अमूमन तौर पर खास ज़्यादातर होते हैं और चूहे वगैरह भी होते हैं तो इंजन में घुस के बैठ जाते हैं और जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसकी रोलिंग मशीन के अंदर अक्सर आ जाते हैं और फिस जाते हैं बिल्कुल। अब मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हो चुका है तो इस बात को मैं जब भी आप लोगों को बता रहा हूँ वहाँ से। तो दोस्तों बस केयर करें, ठंड का मौसम है बहुत शदीद ठंड हो रही है तो इनके लिए या तो कोई अपने घरों के बाहर जगह बना दिया करें ऐसी कि कोई शेल्टर ताकि वो रह सकें सुकून से, कुत्ता हो बिल्ली हो कोई भी जानवर हो यार, तो घर के साथ साथ बाहर के भी जो जानवर हैं उनकी केयर करा करें। ज़रूरी नहीं है कि वो भी अपने ही होते हैं और इनकी केयर करेंगे बेजुबान जानवरों की तो यकीन माने उसका बहुत सवाब मिलता है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में ही आपको कुछ मिले उसके उस पर, आखिरत में मिलेगा इंशाल्लाह और अल्लाह तो देख रहा है ना तो आपकी नेकी ही बढ़ती है। तो दोस्तों बस ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था आज का कि एक मैसेज मिल जाए लोगों को कि यार बहुत केयरफुली ड्राइव करें। बाकी दोस्तों उसने हाथ में ही दम तोड़ा एक तरीके से मेरे और मैंने उसको जो है जहाँ दफनाता हूँ वहाँ मिट्टी के अंदर वहाँ दफना दिया था थोड़ी देर बाद। यार दोस्तों ये मेरा मैसेज है तमाम लोगों के लिए, प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि यार सर्दियों में जो जानवर होते हैं ना सिर्फ अपने ही नहीं जो घर के जानवर हैं उनका ही नहीं यार बाहर जानवरों का भी स्ट्रीट एनिमल्स का ख्याल रखें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल के हमेशा आपको लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए इजाज़त, लहा से टाटा बाय बाय। ये रहे दोस्तों वो बैठे हुए दोनों के दोनों पप्पी, आप लोग इनको करीब से भी दिखा देता हूँ। ये रहे यार गर्मी की वजह से काफ़ी परेशान हुए हैं दोस्तों, ये इनकी हालतें देखें, पानी रख दिया किसी ने, यो इनको देखना पड़ता रहेगा दोस्तों, इसके काफ़ी बच्चे ऐसे ही मर चुके हैं। कितने छोटे छोटे से हैं। चलो बाद में मिलते हैं तुमसे, ठीक है।